लोकसभा चुनाव का आज फाइनल राउंड है क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझानों में एग्जिट पोल के अनुमान सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा रुझानों में एनडीए ने 2014 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 325 सीटों के साथ केंद्र में फिर से मोदी की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। इस बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे देश के नाम संदेश देने वाले हैं। इसके बाद मोदी 26 मई को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट जीत ली है, जबकि अमेठी सीट अब भी खतरे में है। यहां राहुल गांधी स्मृति ईरानी से काफी पीछे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की स्थिति करीब करीब साफ हो गई है, यहाँ वाईएसआर कांग्रेस की जीत लगभग पक्की है। वहीं यूपी की आजमगढ़ सीट से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ हारते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। दोनों की सीटों में करीब 1 लाख वोट्स का अंतर है। ऐसे में दिनेश लाल यादव की जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। जश्न की अगर बात करें तो बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जोरदार जश्न मना रहे हैं और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बॉलीवुड सितारों के अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी प्रधानमंत्री को आम चुनाव में प्रचंड जीत की बधाई दी है। वहीं एनडीए की प्रचंड जीत पर एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि जनता का फैसला देश को स्वीकार है, लेकिन ये भी सच है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह है। अब बीजेपी की इस जीत पर बधाइयों का तांता तो लगा ही रहेगा, क्योंकि अब तो विपक्ष के जीतने की उम्मीद भी बिल्कुल कम है। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़ रहे हैं न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।